बच्चियों के साथ गलत हरकत में दिल्ली के शेल्टर होम भी पीछे नहीं है। ताजा मामला द्वारका के एक प्राइवेट शेल्टर होम से सामने आया, जहां लड़कियों ने कहा कि अनुशासन के नाम पर उन्हें सजा दी जाती है और सजा के तौर पर जबरन मिर्च पाउडर खिलाया जाता है। इतना ही नहीं, उनके प्राइवेट पार्ट्स में भी मिर्च पाउडर डाला जाता है। लड़कियों ने दिल्ली महिला आयोग की कमेटी के दौरे पर अपनी कहानी व्यक्त की। इस शेल्टर होम में 6 से 15 साल की लड़कियां रहती हैं। लड़कियों की आपबीती सुनकर कमेटी के सदस्य भी हैरान रह गए, सकते में रह गए। पुलिस ने शेल्टर होम के स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आयोग ने बताया कि सरकार इस मामले में जांच कर सकती है। दिल्ली सरकार की सलाह पर दिल्ली महिला आयोग ने सभी सरकारी और प्राइवेट शेल्टर होम्स की जांच कराने और उनमें सुधार को लेकर एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है। शेल्टर होम में लड़कियों ने बताया कि उन्हें सभी घरेलू काम करने पड़ते हैं, तो वहीं बड़ी लड़कियों को ही छोटी बच्चियों को संभालना पड़ता है। खाने की क्वालिटी भी बेहद खराब है। दिल्ली के सारे शेल्टर होम्स का औचक निरीक्षण कर रहा है। एक ऐसे ही शेल्टर होम में जो कि द्वारका में है, हमारी टीम गई और हम बिल्कुल हैरान रह गए, डर गए। जो हमने वहां पे देखा, बच्चियों के साथ बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना की जा रही थी, उन्हें मारा पीटा जा रहा था। और यहां तक हमें 2 बच्चियां मिली जो कि बहुत छोटी हैं, 6-7 साल की बच्चियां हैं, और उनके साथ इतनी अमानवीय हरकत करी जा रही है कि बोलते हुए भी मतलब दहशत हो रही है। उन बच्चियों के गुप्त अंगों में मिर्ची डाली जा रही थी जो कि शेल्टर होम का स्टाफ ही डाल रहा था, और वहीं पे सारे बच्चों के सामने ये किया जाता था उन बच्चों को डराने के लिए। अगर तुमने कुछ नहीं, तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे साथ ये किया जाएगा।